गर्मी बहुत थी, सूरज आग उगल रहा था। दिन 21 अप्रैल, दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर शहर पानीपत में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन जो हुआ वो अगर नहीं हुआ होता तो दिल्ली का लाल किला नहीं होता, आगरे का ताजमहल नहीं होता। कुल मिलाकर आज जो भारत है उसकी शक्ल कुछ और होती, तहजीब कुछ अलग होती। आज से तकरीबन 490 साल पहले मौजूदा हरियाणा राज्य का पानीपत जिला भारत के भविष्य का साक्षी बनने वाला था, गवाह बनने वाला था। हम मान सकते हैं कि यही वो जगह है जहां भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला पानीपत का पहला रक्त रंजित युद्ध लड़ा गया। दिन 21 अप्रैल 1526। इस दिन जो हुआ उसे ही पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। यह लड़ाई दिल्ली के तख्त के लिए नहीं, भारत पर कब्जे के लिए लड़ी गई थी। इसके दो पक्ष थे, एक काबुल का तत्कालीन शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर अपनी पुश्तैनी रियासत फरगना और समरकंद को हारने के बाद बहुत मुश्किल से काबुल पर कब्जा कर पाया था। जो मुगल थे, जिनको पर्शियन में, फारसी में मंगोल्स को मुगल कहते हैं, मुगलों में जो अलग अलग मुख्तलिफ डायनेस्टीज थी, अलग अलग पावर सेंटर्स थे, उनमें पावर स्ट्रगल चल रही थी और बाबर भी एक मुगल प्रिंस था। बाबर, आप पता है कि जब वो 11 साल का था वो फरगाना किंगडम का प्रिंस था। वहां उनके पिताजी का देहांत हो गया, वो राजा बन गए एट द एज ऑफ 13। और फरगाना एक छोटा सा किंगडम था जो कि अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। जब वो उसने किंगडम को टेक ओवर किया, उसके बाद जो उसके कजन्स थे, अंकल्स थे, उसको निकालने की कोशिश की। 20 साल के लिए वो 3 बार फरगाना और समरकंद से ऑक्यूपाई किया निकाला गया। लेकिन तकरीबन 1504 में उसने काबुल का कब्जा कर लिया। अब उसको एक प्रकार का बेस मिल गया। और यहीं से भारत को लेकर उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम खान लोदी बैठा था। पानीपत की पहली लड़ाई का दूसरा किरदार था लोदी वंश का यही तीसरा शासक इब्राहिम लोदी। उनके एक भाई हुआ करते थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी महत्वाकांक्षा रखते थे और वो चाहते थे कि वो सुल्तान बने। इस वजह से उन्होंने राजपूतों से संधि की और जब सिकंदर लोदी के खिलाफ इब्राहिम लोदी ने एक्शन लिया तो सिकंदर लोदी दिल्ली से भाग के राजपूताना चले गए। ऐसा बताया जाता है स्रोतों के आधार पे कि सिकंदर लोदी और उनके कुछ दोस्त जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे और इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटाना चाहते थे और दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे, दिल्ली को अपने प्रभुत्व में लाना चाहते थे, उन शक्तियों ने बाबर को न्योता दिया हिंदुस्तान। बाबर ने काबुल पर कब्जा तो कर लिया था लेकिन काबुल वैसी जगह नहीं थी जिससे वो संतुष्ट रह सकता था। और जब 1523 में न्योता आया तब बाबर समझ चुका था कि भारत में घुसने का सही मौका आ चुका है। 1524 में बाबर ने लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर नाम तब पूरे पंजाब सूबे के लिए होता था। लाहौर में बाबर गैरिसन यानी फौजियों के लिए एक गढ़ स्थापित कर लौट गया। साल 1525, बाबर ने एक बार फिर काबुल से दिल्ली की ओर रुख किया। तत्कालीन भारत में बाबर तब दाखिल हुआ जब उसकी फौज ने पेशावर के पूरब से बहने वाली हारू नदी को 17 नवंबर 1525 के दिन पार किया। यहां से सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 28 दिन लगे। बाबर ने 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी पार कर ली। इस मकाम पर बाबर ने अपनी फौज का लेखा जोखा भी किया। उसने लिखा है,
अच्छे बुरे सब मिलाकर मेरे पास 12,000 की फौज है। बाबर की ये फौज बिना मुश्किल के भारत में बढ़ती जा रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर आगे बढ़ता रहा। उसकी फौज ने रोपड़ में सतलुज नदी पार की और वो अंबाला पहुंच गया, बेरोक टोक। बाबर की फौज छोटी थी लेकिन नेतृत्व अलग किस्म का था, तकनीक और कौशल अलग दर्जे का था। उसके पास ज्यादा कुछ फोर्सेस नहीं थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार तकरीबन 12,000 या 15,000 की फौज उसके पास थी, लेकिन उस जो फौज थी वो तमाम वेटरन्स थी। तमाम फौज ने बाबर के अंदर के साथ साथ 8-10 लड़ाई लड़ चुके थे, अफगानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, पर्शिया में। वो ट्रेन्ड बैटल हैडल्ड वेटरन्स थे। तीन चीजें बाबर की फौज में बहुत अहम किरदार अदा कर रही थी। एक, बाबर का तोपखाना। उससे पहले हिंदुस्तान में तोपखाने का इस तरीके से इस्तेमाल किसी फौज ने नहीं किया। दूसरा, जो सेंट्रल एशिया की खासियत थी, जिसको हम लोग बोलते हैं घुड़सवार तीरंदाज, माउंटेड आर्चर्स। और तीसरा, मैटलॉक, जिनको हम लोग बोलते हैं बंदूक। बाबर रूपड़ के बाद शाहबाद होते हुए सरस्वा पहुंचा। सरस्वा से आगे बढ़ने के साथ ही बाबर की फौज ने आसपास के गांव वालों से बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। ये उसकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। बहरहाल, सरस्वा से बाबर आगे दक्षिण की तरफ बढ़ा और पहुंच गया पानीपत। 1 अप्रैल 1526 को बाबर पंजाब को पार करते हुए, यहाँ पानीपत में उत्तर की तरफ गंदा नाला है, वहीं एक बाबरपुर गांव आज भी स्थित है, वहाँ उन्होंने अपनी छावनी बनाई। और बाबर के पास उड़ती उड़ती ये भी खबर आई कि इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1,00,000 फौज है, घुड़सैनिक हैं अच्छे और हाथ सवार हैं। और बाबर ने अपने सिपे सलारों से और दूसरे साथियों से मंत्रणा की और फिर ये तय पाया कि बाबर इब्राहिम लोदी का मुकाबला यहीं पानीपत के मैदान में करेंगे। पानीपत में ही भारत के भविष्य का फैसला होने जा रहा था। बाबर की फौज में अब तकरीबन 20,000 से 25,000 फौजी थे, लेकिन पानीपत में जो हालात थे वो बाबर के खिलाफ थे। मैदानी इलाकों में ज्यादा सेना चाहिए, जो बाबर के पास नहीं थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास तो 4-5 गुना ज्यादा सेना थी। जब वो दिल्ली सल्तनत की फौजों को देखते हैं, उनकी साइज देखते हैं, उनके इक्विपमेंट को देखते हैं, तो बाबर की फौज तो बड़ा सिंपल ओपिनियन रखती है, वापस चलते हैं, ये लड़ाई करने में कोई मतलब नहीं है, जितना घूमना था घूम लिए, अब वापस जाना चाहिए। बाबर इज द वन हु सेज कि नहीं नहीं अभी रुक के थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद अपन सक्सीड कर जाए। बाबर और उसकी टीम ने बहुत ही सोच समझकर यहां मोर्चा लगाया, ये रक्षात्मक मोर्चा था। यानी वो दुश्मन को अपने करीब आने देते थे और उसके बाद वो काउंटर अटैक करते थे। उसने इस तरह से योजना बनाई कि एक तरफ पानीपत कस्बे की दीवार थी, दूसरी तरफ यमुना नदी थी, और इसके बीच में उन्होंने एक बड़ा सा ट्रेंच बना दिया। ये ट्रेंच यमुना नदी के एक पुराने अलाइनमेंट के साथ साथ चलता था। उन खाइयों के ऊपर पत्ते, टहनियां, ये सब बिछा दी गई। दूर से पता ही नहीं चलता था कि 20-25 फुट का गड्ढा है, और उस पर उन्होंने वो अबातिस लगा दी, टहनियों को नोकीला बना करके, लकड़ी के टुकड़ों को नोकीला बना के जगह जगह पे लगा दिया जाता। एक तरफ पानीपत कस्बे की दीवार थी, दूसरी तरफ यमुना नदी थी, और बाबर ने 700 बैलगाड़ियों का एक पूरा का पूरा, एक कहना चाहिए कि पूरी एक रेलगाड़ी सी बनाई, और बीच में जगह जगह थोड़े थोड़े रास्ते बनाए। हर एक के बीच में लेदर या रॉहाइड का कनेक्शन था, ताकि दुश्मन उसे क्रॉस नहीं कर सकता था।
तकरीबन 4 या 10 फुट 10 गज का फासला था हर एक पैर में। इस गैप में उनके आर्चर्स और बंदूकची फायर करते थे। हर 200-250 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा गैप था, तकरीबन 8 या 10 मीटर का। इस गैप में से जो उनके बड़ी आर्टिलरी थे, जो उनके कजान थे, जबजबान थे और उनके घोड़ सवार थे, वो उसे इस्तेमाल कर सकते थे। इस डिफेंसिव पोजीशन में उन लोग इंतजार कर रहे थे और दोनों साइड चाहते थे कि दूसरा उसे पहले अटैक करे। शहर को, पानीपत शहर को अपना एक फ्लैंक बनाया तो जाहिर था कि शहर के थ्रू कोई मेजर अटैक नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ अपनी फौज खड़ी की, फौज को विंग्स में रखा, राइट लेफ्ट सेंटर। सबसे आगे था करावल, जो कि स्काउट्स थे। उनका काम था दुश्मन के बारे में खबर बताते रहिए, उनके एडवांस के बारे में बता रहे थे। उनके पीछे थे डिलेइंग ट्रूप्स या हरावल। उनका काम होता था कि जो दुश्मन आए उनको हमारी तरफ खींचे, उनको डिले करते रहे, उनके ऊपर कैजुअलिटी डालते रहे। और पीछे उनके मेन पोजीशंस थे। बीच में था कुल, जहां बाबर खुद इंतजार कर रहा था। कुल के दाहिने ओर बरंगार था, जो कि बाबर का बेटा हुमायूं खुद लीड कर रहा था। उसके बाएं ओर उसका लेफ्ट फ्लैंक था या जरंगा, जो कि उनका सबसे खास जनरल मोहम्मद मिर्जा लीड कर रहा था। पीछे थे उनके रिजर्व्स, जो कि इल्तमिश थे, जिसे कहते थे हेवी कैवलरी। उनका मकसद था कि आयरन मोमेंट पर अटैक करके लड़ाई का रुख बदल दे। इब्राहिम लोदी जब पानीपत की तरफ बढ़ रहे थे तो बाबर के स्काउट्स बराबर बाबर को खबर दे रहे थे कि ये फौज किस तरह से आ रही है। एक बड़ी विशाल भीड़नुमा फौज, बहुत सारे हाथी, कुछ भारी बंदूकें, धीरे धीरे चलते हुए वो आ रहे थे। इब्राहिम लोदी के जो ट्रूप्स आए थे 20,000 उसके थे, 5,000 दूसरे के थे, 3,000 दूसरे के थे। कभी इकट्ठा ट्रेनिंग की नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था, वो तो एक मेला था, एक आर्मी नहीं थी। बहरहाल 12 अप्रैल 1526 तक काबुल से चली बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत में खेमाबंदी कर चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि भारत के भविष्य का फैसला अब पानीपत में ही होगा। बाबर जल्दी में था, भारत में फिलहाल वो हमलावर था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी खेमा लगाकर इंतजार कर रहा था। थक हार कर आखिरकार बाबर को पहल करनी पड़ी। 19 अप्रैल को बाबर ने इब्राहिम लोदी के कैंप पर एक बहुत बड़ा रेड लॉन्च किया। तकरीबन 4,000 लोग उस रेड में शामिल थे। लेकिन ये रेड गलत था। जो पार्टीज जाने थे अपना रास्ता चूक गए। जब तक कि वो इब्राहिम लोदी के कैंप के नजदीक पहुंच गए, दिन होने वाला था और अफगान सेंट्रीज ने उन्हें देख लिया, उनके ऊपर फायर डाला और ये रेडिंग पार्टी को विड्रॉ करना पड़ा बहुत कैजुअलिटीज के साथ। वो वापस चले आए, लेकिन बाबर का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि जब अफगान से देखा कि हमने इतने बड़े फौज को इतने आसानी से हरा दिया, उनको लगा कि अब हम इसे भी हरा सकते हैं और वो तैयार हो गए अटैक के लिए। सुबह तड़के भोर अहले सुबह इब्राहिम लोदी ने कूच किया और उसकी योजना साफ थी कि जो आगे आए मार दो, और वो आगे बढ़ता चला गया। सामने उनके 300 वॉर एलिफेंट्स थे, पीछे उनकी मेन फौज थी। इब्राहिम लोदी के टैक्टिक्स तो बड़े आसान थे। वो चाहता था मैं एलिफेंट्स और फोर्स लेकर के ब्रेक कर लूं और उनको वहां खत्म कर लूं।
बाबर के करावल दस्ते ने बाबर को सूचना दी कि इब्राहिम लोदी आगे बढ़ रहा है। सामने जो करावल थे उन्होंने हल्का सा डिले कर दिया, खबर पास करते रहे पीछे बाबर को कि ये भी दुश्मन आ रहा है। हरावल ने उनको कांटेक्ट किया और वो भी पीछे पीछे हिलते रहे। तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच में इब्राहिम लोदी की आर्मी ने बाबर के मेन डिफेंस से कांटेक्ट कर दिया और वहां उन्हें देखा ये सामने डिच है और ये फोर्टिफिकेशंस तैयार है। जैसे ही उस खंदक के पास पहुंचते थे घोड़े और हाथी उसमें गिरने शुरू हो जाते थे। नीचे आबादियां लगी होती थी, कोई नुकीली चीजें घोड़ों के पेट में घुस जाती थी। अब इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। पहला शॉक वही मिला था। जैसे ही वो 200-300 मीटर के गज के दूरी पर आ गए, बाबर के आर्टिलरी ने फायर खोला, उनके कैनन से फायर खोला। शायद उनका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उस जमाने में रेंजेस ज्यादा नहीं थे, ना ही कैनन्स का असर इतना ज्यादा था। लेकिन उसका क्या असर हुआ था, जो आवाज हुआ, जो धमाका हुआ, जो फ्लैश बना, जो वॉर एलिफेंट्स थे आगे, वो देख करके घबरा गए और घबरा करके वो पीछे हटने लगे। जब दुश्मन हड़बड़ाहट में पीछे हटता था उस वक्त बाबर तुलगोवा इस्तेमाल करते थे, आउट फ्लैंकिंग मैनूवर। तो दुश्मन को क्या लगता था, हम पीछे हट रहे, पीछे से भी हमला हो रहा है। ये होती थी एक बहुत तेज घुड़सवार की टुकड़ी तुलुकमा जो, और उनको आदेश दिया जाता था कि अब आप फौज के दाएं से हमला कीजिए या लेफ्ट फ्लैंक से हमला कीजिए, तो फौज को आउटफ्लैंक कर देते थे। और उनके पास एक खास हथियार था जो कि था डबल कर्व बो, एक छोटा हथियार। लेकिन उसका फायदा क्या था, उस हथियार से घोड़ सवार तकरीबन 220-250 गज की दूरी पर फायर कर सकता था। क्या हो रहा था उस बैटल ग्राउंड में, तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में 50,000 लोग बंद हुए थे। राइट साइड से घोड़ सवार आ रहे थे, आगे से आर्टिलरी फायर आ रहा था, पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इन हालात में सुल्तान इब्राहिम लोदी के एक वफादार ने कहा, बेहतर हो कि आप इस वक्त मैदान जंग से चले जाएं। अगर आप महफूज रहेंगे तो फिर से बड़ी फौज जमा हो जाएगी और हम मुगलों से जंग कर सकेंगे। कहते हैं इब्राहिम लोदी ने जवाब दिया, बादशाहों के लिए मैदानी जंग से भागना बहुत शर्म की बात है। देखो कितने अमीर उमरा साथी और वफादार दोस्त शहीद हुए पड़े हैं, अब हम कहां भाग कर जाएं? फिर इब्राहिम लोदी ने शेर पढ़ा, हम किसी और तरफ जाएं ये मर्दानगी नहीं है, सुर्ख रुओं का काम नहीं पीला होना। युद्ध भूमि में हालात ऐसे बने कि इब्राहिम लोदी ने अपने पिछले खेमे के आगे आने का इंतजार ही नहीं किया और 5,000 घुड़सवारों के साथ मुगलों से भिड़ गया। पानीपत की पहली लड़ाई नाजुक मोड़ पर थी, इसी के साथ भारत का इतिहास भी और भविष्य भी। बाबर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अगर लड़ाई आगे खींचती तो बाबर को लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बाबर अगर 21 अप्रैल को पीछे हटने का फैसला कर लेता तो आज भारत में न ताजमहल होता और न ही दिल्ली का लाल किला, अकबर नाम के बादशाह का इतिहास की किताबों में जिक्र भी नहीं होता। लेकिन लगता है इब्राहिम लोदी ने जल्दी कर दी थी। कुछ ही देर बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी का सर बाबर के सामने पेश हुआ। उसकी लाश वाकई धूल और खून में सनी हुई मिली। सिर का ताज और आफताब गीर यानी शाही हुकूमत की निशानी वाला छत्र अलग पड़ा था।
बाबर खुद उस जगह पहुंचा जहां सुल्तान इब्राहिम लोदी की लाश थी। उसने मिट्टी से लाश को उठाया और कहा, तेरी बहादुरी को सलाम। लेकिन जो बाकी 20-25 हजार लोग जो गिर गए थे, जो सैनिक थे, उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके सर काटे गए थे और एक छोटा पहाड़ बनाया गया। बाबर कहता है उसके मेमोर्स बाबर नामा में, एक 35 फुट का पहाड़ बनाया था सिर्फ सरों का। लेकिन उसके बाद मुगल सैनिकों ने भागते हुए अफगानों को खदेड़ा है दिल्ली से, पानीपत से दिल्ली आगरा तक, और हर जगह मारे गए अफगानों के सिरों का मीनार बनाते चले गए, जो उनकी शायद एक तरह से परंपरा थी ये बताने के लिए कि इस इलाके में अब हम काबिज हुए हैं। बाबर कहता है, द बैटल कमेंस्ड व्हेन द सन वाज स्पीयर हाई and by midday the enemy lay in the dust। ये 6 घंटे की लड़ाई इंडिया का इतिहास अगले 330 साल के लिए बदल दिया।